हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि आप SIP करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको आपके लिए इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिस जो मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है और जिसके अंदर आपको रिटर्न काफ़ी शानदार मिलेंगे। यानी कि अगर आप देखेंगे 3 साल के जो रिटर्न होंगे वो आपको 25.592% मिले होंगे लास्ट के 3 साल के। लास्ट के 5 साल की बात की जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, 26.69, और अगर आप लास्ट के 10 ईयर की बात की जाएगी तो आपको 21.84% का रिटर्न मिला है, जो कि काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। यानी कि इस मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी आपकी वेल्थ अच्छी खासी हो जाएगी, यानी कि SIP करते हैं तो या फिर लमसम करते हैं तो। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि हमारी वेल्थ कितनी हो सकती है, क्योंकि कई सारे नए व्यूअर्स होते हैं, उनको भी थोड़ा समझाना सिखाना जरूरी होता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि 2024 चल रहा है, और मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है तो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रही है गवर्नमेंट। अगर ये गवर्नमेंट आती है या फिर नहीं भी आती है तब भी आप देखेंगे कि हमारा जो निफ्टी 50 है या फिर सेंसेक्स है वो काफ़ी हमारा ग्रोइंग कंडीशन चल रहा है, यानी कि देर सवेर हमारी प्रोग्रेस होती ही रहेगी हमारे देश की। तो उसी तरीके से हमारी कंपनी भी क्या करेंगी, इस तरीके से ग्रोथ आपकी करती रहेंगी, ठीक है। अब मिड कैप का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, कुछ नए व्यूअर्सों को नहीं पता होगा। मिड कैप का मतलब ये होता है कि जिनका टर्नओवर यानी जो मार्केट कैप होता है वो 5000 करोड़ से लेकर के 20000 करोड़ के बीच में, जो 5000 करोड़ से लेकर के 20000 करोड़ के बीच में जिनका मार्केट कैप होता है उसको हम कहते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप कंपनीज कहते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टॉप देश की टॉप से 101वीं कंपनी से लेकर के 250 कंपनी, यानी कि ऊपर से लेकर के 101वीं कंपनी से लेकर के 250 कंपनियां जो होती हैं उनको हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। यानी कि पैसा, इस म्यूचुअल फंड का पैसा कहां पे जा रहा है, इस म्यूचुअल फंड का पैसा जा रहा है ज़्यादातर मिड कैप के अंदर। यानी कि कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्यूमिंस इंडिया है, सोलर इंडस्ट्रीज है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, सेफलर इंडस्ट्रीज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इस तरह की कुछ जो मिड कैप लेवल की जो कंपनीज हैं इसके अंदर। हालांकि कुछ लार्ज कैप भी होंगी, कुछ स्मॉल कैप भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर आपकी कौन सी होंगी, 65% आपकी मिड कैप कंपनीज होंगी जिनके अंदर हमारा पैसा लगा है। अब मिड कैप कंपनी के अंदर क्या रहता है कि कंपेरिजन टू स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्क इसके अंदर कम होता है, और लेकिन प्रॉफिट भी स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग कम रहता है थोड़ा। यानी कि स्मॉल शेयर मार्केट का गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल ये कहता है कि जिस जगह पे आपको जितना ज़्यादा लॉस होगा आपको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना होती है। तो इसी तरीके से जब स्मॉल कैप के अंदर आपका हाई रिस्क रहता है तो वहाँ पर हाई गेन, यानी कि हमें उतने ही रिटर्न मिलने की संभावना होती है। ठीक उसी तरीके से मिड कैप के अंदर क्या है, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है तो हमारा रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म के अंदर बने रहते हैं तो हम मिड कैप से हम एक अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं। चलिए, मैं आपको अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उस म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने विवेक से मैं अपनी चीज़ों को एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप बाकी में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, जो कि सेवी से रजिस्टर्ड होते हैं। मैं स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पर लगा देता हूँ और आपको मैं बताऊँगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसा कि आप साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं वो है आपका कोटक एमर्जिंग इक्विटी स्कीम है। ये आपका ग्रोथ प्लान है, मिड कैप का प्लान है ये। अब इसकी जैसा कि मैं आपको रिटर्न यहाँ पे बताई दिए थे, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 साल के अंदर आप रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पे कितने मिल रहे हैं आपको। 3 ईयर के अंदर आपको 25.92% मिल रहे हैं रिटर्न आपको, ठीक इसी तरह 5 ईयर के आपको मिल रहे हैं इतने, और टेंस लास्ट के 10 साल के अंदर आपको रिटर्न मिल रहा है इतना। यानी कि अगर ये फंड इसी तरीके से परफॉर्मेंस देता रहा तो आपको यही रिटर्न अगले आने वाले समय के अंदर मिल सकते हैं, जिससे आपका जो पैसा होगा कई गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे तरफ आते हैं, तो इसके अंदर आप मिनिमम SIP 100 रुपये से कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो इसका जो फंड साइज है, यानी कि 42,699 करोड़ का फंड साइज है, और आप देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.38% का एक्सपेंस रेशियो है। और आप इसके अंदर एक चीज़ और देखिए, इसकी जो NAV चल रही है अभी के टाइम पे, इसको 132.85 रुपये की NAV चल रही है, 100 रुपये की आप मिनिमम SIP इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं, अब इसके अंदर हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। नए व्यूअर्स काफ़ी आते हैं तो उनको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं कि मान लीजिए आप अगर 1000 रुपये की SIP करते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए 3000 रुपये की SIP करते हैं, आपकी सैलरी थोड़ी ठीक ठाक है और आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से अगर करते हैं, तो मान लीजिए आप 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर
यानी कि 3000 रुपये हर महीने कर रहे हैं इस फंड के अंदर, तो आप देखेंगे आपकी वेल्थ कितनी हो जाएगी 3 साल के अंदर इस फंड के अंदर, आपकी वैल्यू हो जाएगी आपका यानी कि 164,000। यानी कि आपने इन्वेस्ट कितना किया, 108,000 इन्वेस्ट किया आपने, और आपका 3 साल के अंदर 164,000 की आपकी वेल्थ हो गई। और कंपेयर कर सकते हैं गोल्ड में किया होता तो कितना मिलता आपको, FD में किया होता तो कितना मिलता आपको, ठीक है। 5 ईयर की बात कर लेते हैं, तो 5 ईयर के मामले में आपका पैसा जस्ट डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया 5 साल के अंदर। देखिए 180,000 रुपये आपके इन्वेस्ट हुए थे, आपकी वैल्यू वेल्थ कितनी हो गई, 378,000 की वेल्थ हो गई। और आप कंपेयर कर सकते हैं गोल्ड से और FD से, आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। अगर 10 ईयर तक ऐसे चलता रहा तो आप देखेंगे 10 साल के अंदर आपका 360,000 रुपये पैसा इन्वेस्ट हुआ, उस पर आपका मान लीजिए 14,80,000 रुपये की आपकी वेल्थ हो जाएगी इस फंड के अंदर। या ये क्या बताया मैंने आपको, ये बताया मैंने SIP, यानी कि हर महीने आप 3,000 रुपये SIP करते हैं। तो अगर वन टाइम की बात कर लें, मान लीजिए आप इसके अंदर 3,00,000 रुपये डाल देते हैं एक साथ, 3,30,000 जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, अगर आप इसके अंदर 30,00,000 रुपये डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि 10 साल के अंदर आपका पैसा कितना हो गया, 3,00,000 से आपका पैसा 24,00,000 रुपये की आपकी वेल्थ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिड कैप के अंदर कौन कौन सी कंपनियां, यानी कि इस फंड का पैसा किस किस कंपनी के अंदर जाएगा, हम जरा वो बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्लिक किया इसके अंदर, तो यहाँ पर सेक्टर वाइज चीज़ें आ रही हैं, व्यू ऑल सेक्टर कर दिया मैंने। तो आपका पैसा कोई कंपनी होती है तो वो किसी सेक्टर की होती है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल है, कंज्यूमर साइक्लिक है, बेसिक मटेरियल है, फाइनेंशियल सर्विस है, इस तरीके से काफ़ी सेक्टर्स हैं उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट होने के लिए जा रहा है। और होल्डिंग की बात करें कि भैया किस किस कंपनी के अंदर जाएगा, तो देखिए व्यू ऑल होल्डिंग वगैरह कर दूंगा तो आपकी सारी 72 कंपनी की लिस्ट आ रही है यहाँ पर, जिसमें से आपका 65 कंपनी क्या होंगी मिड कैप होंगी, बाकी स्मॉल कैप और लार्ज कैप भी होंगी, जिससे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर 72 कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है डिफरेंट, यानी कि इसका जो फंड साइज है उस फंड साइज का परसेंटेज वाइज देखेंगे, राइट साइड में जो परसेंटेज लिखी हुई है यहाँ पर उसके हिसाब से कंपनियों में क्या लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है। और इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारा पैसा इतनी कंपनियों के अंदर लगा हुआ है तो एक कंपनी बंद हो सकती है, दो हो सकती हैं, कुछ कंपनी लॉस हो सकता है लेकिन कुछ क्या प्रॉफिट भी करेंगी। तो इस तरीके से हमारा तभी तो यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है, 25%, 26%, 21% इस तरीके से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। और ये जो प्रॉफिट होता है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट होती है, कंपाउंड के अंदर समझते हैं आप, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है हमें इसके अंदर, यानी कि जो पावर ऑफ कंपाउंड होती है, इसीलिए तो म्यूचुअल फंड के अंदर हमारी वेल्थ कई गुना हो जाती है। कहां अभी लमसम हम 3,00,000 रुपया कर रहे थे तो जस्ट हमारा 24,00,000 रुपया क्या हो गया था, प्रॉफिट हो गया था 10 साल के अंदर। तो इस तरीके से आप पैसा क्या कर सकते हैं, लगा करके छोड़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके फंड मैनेजर कौन कौन है, यानी कि इस फंड को संभालने वाले कौन कौन है, उनको एक्सपीरियंस कितना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो पहले फंड मैनेजर है वो है अर्जुन खन्ना है, इनको 2 साल का एक्सपीरियंस है। टोटल AUM 11,84,955 करोड़ का फंड साइज ये मैनेज कर रहे हैं, यानी कि इतना करोड़ फंड साइज मैनेज कर रहे हैं ये। और जो अतुल बोले हैं ये 0.27 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको, और टोटल AUM कितना, 2,88,666 करोड़ का ये फंड साइज क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं आपका यह पैसा है 97.81% आपका इक्विटी में लगा हुआ है और 2.19% आपका कैश रखा हुआ है इन्होंने। और आप देखिए यहाँ पर देखिए, हालांकि इसके अंदर देखिए आपने ये फंड बेसिकली क्या था, ये मिड कैप का फंड था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका कि मिड कैप के अंदर 21.53% कंपनी ने पैसा लगा रखा है, लेकिन ज़्यादातर पैसा लगा रखा है लार्ज कैप के अंदर, ठीक है। कुछ फंड ऐसा होता है कि कुछ फंड मिड कैप के होते हैं लेकिन धीरे धीरे जब वो कंपनियाँ बड़ी होने लग जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले म्यूचुअल फंड क्या था, मिड कैप वाली कंपनियाँ थी इसके अंदर, लेकिन वो कंपनियाँ क्या हो गई, हाथी हो गई, यानी बड़ी हो गई, तो उसकी कैटेगरी चेंज हो गई, क्या हो गया, उसकी कैटेगरी चेंज होकर वो लार्ज कैप, यानी कि उसके अंदर लार्ज कैप कंपनियाँ ज़्यादा आ गई। तो इस तरह से आप देखेंगे इसके अंदर कि लार्ज कैप के अंदर होल्डिंग है 78.04%। मान लीजिए आज कोई कंपनी छोटी है जिसका टर्नओवर है 6,000 करोड़ का है मान लीजिए, ठीक है, ये मिड कैप थी, लेकिन अब आने वाले समय में क्या हुआ, इसने प्रोग्रेस की, इसने क्या कर लिया, इसका 15,000 करोड़ का क्या हो गया, मार्केट कैप हो गया, तो ये लार्ज कैप कंपनी बन गई। तो इस तरीके से आप देखें इसके अंदर, तो स्मॉल कैप में कितना पैसा लगा हुआ है, 0.44% का पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्ट हुआ हो रहा है इसके अंदर पैसा। तो इस तरीके से अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि आपको सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं लगाना है, सारा पैसा आपको म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं लगाना है, आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पैसा लगा होना चाहिए, आपका गोल्ड में पैसा लगा होना चाहिए, स्टॉक में लगा होना चाहिए, रियल एस्टेट में लगा होना चाहिए, आपके पास FD भी होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सुकून फील करेंगे, आप अपने जीवन के क्या कर सकते हैं, आपका पैसा डूबेगा नहीं कभी लाइफ में, राइट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
असेट प्लस का लिंक है, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए कि कैसा पैसा किस म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना है, किसके अंदर नहीं लगाना है, अगर वो गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी जरिए इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं असेट प्लस ऐप के जरिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि खुद से इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए वीडियो के अंदर लिंक लगे हुए हैं, ग्रो ऐप का, एंजल वन का, इनके लिंक लगे हुए हैं अप स्टॉक का, वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट रखने की जरूरत नहीं है, झिझकना नहीं है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।